तो आज हम देखेंगे कि पैडेड प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई किस तरह से करते हैं। इसमें हमने पैड अटैच किए हैं और ये पैड अंदर की तरफ लगते हैं, तो इसको किस तरह से बिना झोल के लगाया जाए ये बहुत ही बारीकी के साथ बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस ब्लाउज की कटिंग हमने पिछले वीडियो में दिखाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो आए उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। जैसा कि मैंने कहा पिछले वीडियो में मैंने इसका कटिंग दिखाया है, तो आज इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले ये पीछे का पल्ला लिया है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और गले की ओर और नीचे की तरफ सिलाई लगा कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर गले की ओर सिलाई लगा कर ले रही हूँ। ध्यान रखिएगा जो हमारा ब्लाउज पीस है, मेन फैब्रिक है, उसकी सीधी साइड के ऊपर लाइनिंग पैटर्न रखा है। अब जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे कट कर देंगे। यहां गले की ओर हल्के हल्के कट्स लगा दीजिएगा। कट्स हमारे सिलाई के ऊपर नहीं जाने चाहिए और नीचे की तरफ भी मैंने कट्स लगाए। अब इसको हम पलट कर लेंगे ताकि हमारे गले का और नीचे का फिनिशिंग हो जाए। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो नीचे की तरफ आप अलग से पट्टी लगा सकते हो, गले की ओर भी अलग से पट्टी लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हम डार्ट लेंगे, तो डार्ट लेने से पहले डार्ट के बीच में से एक सिलाई लगाएंगे। ये मैंने लगा दी। अब डार्ट को मोड़ देंगे और यहाँ से हम डार्ट की चौड़ाई से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से डार्ट लगाने से अच्छे बैठेंगे। अब देखो ये भाग खुला है तो यहाँ पर हम सिलाई लगा कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये पीछे का एक साइड का पैटर्न रेडी है। इसी तरह से मैं दूसरे साइड का भी तैयार करके लूंगी। तो ये मैंने दोनों साइड के तैयार करके लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसे छोड़ देंगे और लेंगे फ्रंट पैटर्न। फ्रंट पैटर्न का ये सेंटर पार्ट है, यानी बीच का पार्ट है। इसको खोल कर इस तरह से रख दिया। अब हम गले की ओर सिलाई लगाएंगे। पहले आप चाहो तो सब पिन लगा कर लीजिएगा और बाद में सिलाई लगा दीजिएगा। अब जो हमने नेक का कटिंग नहीं किया था, यानी गले का कटिंग, वो हम अब कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा का कपड़ा हमेशा की तरह कट कर देंगे। तो इस तरह से ये देखो हमारा ये सेंटर पार्ट रेडी है। अब ये इसके दोनों दो साइड के पार्ट है, तो इसको मेन फैब्रिक यानी ब्लाउज पीस के ऊपर लाइनिंग पैटर्न रखा है और इसके चारों ओर मैंने सिलाई लगा कर ले ली है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर देंगे। जो ब्लाउज पीस का यानी मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको मैंने कट कर दिया। अब यह रेडी है। अब इसके बीच में ये सेंटर पार्ट रखेंगे। ये नॉच आपको याद होगा, कटिंग करते समय मैंने आपको बताया था, तो उस नॉच को अच्छे से मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। नॉच को नॉच, ये नॉच टक्स पॉइंट का है, तो इसको अच्छे से मिलाते हुए हम सिलाई लगाने वाले हैं। इस साइड में भी ये टक्स पॉइंट का नॉच अच्छे से मिलाना है और हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखो ये नॉच को अच्छे से पकड़ लीजिएगा और यहाँ मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ, तो आपको भी नीचे से ही सिलाई लगाना शुरू करना है। जब आप सिलाई लगाओगे तो आधा इंच से कम आपको सिलाई मार्जिन रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों साइड का सिलाई मार्जिन मिलाकर 0.5 इंच यानी 0.75 इंच छोड़ा था, तो आपको आधा इंच से भी कम सिलाई मार्जिन रखना है। अगर आप ज़्यादा रखोगे तो यहाँ पर फिटिंग खराब हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगाई और नीचे से ऊपर जाना है आपको इस तरह से। अब इस साइड का भी पार्ट मैं उसी तरह से जोड़ दूंगी जिस तरह से पहले वाला जोड़ा था। तो दोनों मैंने जोड़ दिए हैं, आप देख सकते हो। अब यहाँ आमूल की ओर आप देख सकते हो बहुत ही ऊपर नीचे लग रहा है, तो ये हम अच्छे से कट करेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से रख दिया। अब ये पीछे वाला यानी बैक पैटर्न लिया है। अब देखो इसको ऊपर की तरफ अच्छे से मिला दीजिएगा शोल्डर की ओर। मिलाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरह से ऊपर दिखेगा। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क कर दीजिएगा, पीछे का जो आर्म होल है उसके अकॉर्डिंग मार्क कर दीजिएगा
और नीचे की तरफ लंबाई का भी मार्क कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बराबर से सिलाई मार्जिन का छोटा है और ऊपर की तरफ जो ऊपर नीचे है उसको सीधे में कर लेंगे। तो ये जो लाइन हमने बनाई थी लंबाई की लाइन, उसको आड़े में खींच दीजिएगा और ऊपर से यहाँ शोल्डर की ओर से भी इस तरह से खड़ी लाइन खींच दीजिएगा। ये हो गई हमारी आर्म होल की लंबाई। अब यहाँ से हम 0.75 यानी 0.25 तिरछा लेते हैं और इस तरह से आगे का मुड्ढे का शेप यानी फ्रंट आर्म होल शेप देंगे और अब हम इसको कट करेंगे। तो आपको याद होगा कटिंग करते समय हमने ऊपर की तरफ आर्म होल को बढ़ा कर लिया था क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम इसको अच्छे से कट कर देंगे। तो अब देखो ये आ गया शेप में। अब यहाँ पर आप लंबाई चेक कर सकते हो, तो दोनों की लंबाई यहाँ पर सेम है, कोई इशू नहीं है और नीचे की तरफ भी सिलाई मार्जिन का बराबर से छूट गया है। अब ये फ्रंट पैटर्न रेडी है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और एक जोड़ी हमने लाइनिंग की कट करके ली थी, आपको याद होगा। तो यहाँ पर भी हम नॉच को नॉच मिलाते हुए नीचे से ऊपर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर भी टक्स पॉइंट का नॉच मिलाते हुए नीचे से ऊपर सिलाई लगाएंगे। याद रखिएगा नीचे से ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये देखो मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा कर ले ली। अब यहाँ पर ये जो टक्स पॉइंट का नॉच है यहाँ पर इस तरह से पेन से वगैरह मार्क कर दीजिएगा। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम पैड अटैच करने वाले हैं। तो ये हमारे दो पैड हैं। पैड का सेंटर पॉइंट निकालने के लिए इसको इस तरह से मोड़ दीजिएगा और यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। इसी तरह से दूसरे पैड के ऊपर भी मैंने करके लिया है। अब सुई में धागा डाल कर लीजिएगा। ये देखिए एक साइड का मैंने अटैच किया है, तो इस साइड का मैं आपको बताऊंगी किस तरह से लगाना है। सुई में मैंने धागा डाल कर लिया है। अब ये जो पॉइंट है टक्स पॉइंट, यहाँ से सुई को इस तरह से निकाल दीजिएगा। निकालने के बाद ये हमारा पैड है और पैड का ये सेंटर है, वहीं से सुई को ऊपर की तरफ निकालना है। ज़्यादा मत खींचिएगा, बस गांठ चिपकनी चाहिए नीचे से, इतना ही खींचना है। फिर बाद में सुई को इस तरह से डाल दीजिएगा अंदर, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से दो तीन बार टाका लगा दीजिएगा। अब यहाँ से आप इस तरह से एक टाका लीजिएगा और गांठ लगा दीजिएगा। इस तरह से दो बार गांठ लगा दोगे तो भी चल जाएगा। इस तरह से मैंने गांठ लगा दी। अब इस धागे को हम तोड़ देंगे। तो इसी तरह से मैंने इस साइड में भी टाका लगा कर लिया है, तो दोनों पैड अटैच है। अब इसको उल्टी साइड में आप देखिएगा अच्छे से बैठे हैं, आपको कपड़े में झोल नज़र नहीं आएगा और पूरा प्लेन में कपड़ा बैठेगा। अब इसको देखो ये पूरी तरह से गोलाई में खुला है, तो हमें मशीन के ऊपर इसको अटैच करना है। तो ये सिलाई मार्जिन है, इसको बाहर की तरफ रखिएगा और ये सिलाई मार्जिन और पैड इनको मैंने पिन लगा दी है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे। अब यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन और ये पैड पकड़कर पिन लगाई थी, तो ये देखिए इस तरह से। अब ये जो सिलाई है पहले वाली, उसी सिलाई के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। मैंने पिन इसलिए लगाई ताकि जो हमारा कपड़ा है और पैड दोनों एक जगह अच्छे से रहे। अब पिन को मैंने निकाल दिया और यहाँ पर अच्छे से नॉब को रख दिया और यहाँ से हम बिल्कुल इस तरह से सीधे में सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमने ये सेंटर का जो टाका लिया था वहाँ तक। यहाँ पर आगे पीछे करके धागे को लॉक करना है और ये कट कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप पैड अटैच करोगे तो ये बहुत अच्छे से बैठते हैं और इसकी सिलाई ऊपर की तरफ आपको यानी इस तरफ नज़र भी नहीं आएगी। ये देखिए बिल्कुल ये इनविजिबल होगी। इसी तरह से मैंने दूसरे साइड का पैड भी लगा दिया है और ये पैड ऊपर से खुला ही होना चाहिए, बस एक तरफ हमने इसको अटैच किया है, इसको भी मैंने यहाँ से अटैच किया है। अब आप ये जो बीच के टाके लगाए हैं तो ये आप निकाल भी सकते हो, चाहे तो रहने भी दे सकते हो। तो इसको मैं निकाल रही हूँ क्योंकि हमने सिलाई लगाई है तो इसका कोई काम नहीं है। इस तरह से ये हमने पैड को अटैच कर दिया।
अब इसे हम यहाँ पर, ये हमने मेन फैब्रिक रखा है जिसको हमने लाइनिंग अटैच करके लिया था, फ्रंट पैटर्न। अब इसके ऊपर हम पैड वाला लाइनिंग रखेंगे। इसको अच्छे से यहाँ पर रखना है और गले की और सिलाई लगानी है, तो गले को अच्छे से मिलाकर पिंस लगा कर लीजिएगा ताकि गले का जो शेप है वो अच्छे से दोनों अटैच हो जाए। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम नीचे की तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से मैं सिलाई को शुरू करूँगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पिंस लगा कर लिए हैं, इसलिए हम एक साइड से दूसरे साइड तक सिलाई लगा सकते हैं, या तो फिर आप सेंटर से सिलाई लगाना शुरू कीजिएगा तो भी चलेगा। अब हम यहाँ नीचे की तरफ भी सिलाई लगा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप सेंटर से शुरू कीजिएगा इस तरह से, आधा हिस्सा होने पर फिर से हम यहाँ सेंटर से शुरू करेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए, ये वाली साइड अभी खुली है और ये वाली भी साइड खुली है। अब गले की और आप इस तरह से कट्स लगा कर लीजिएगा ताकि जब हम गले को पलटेंगे तो ये पूरे गोलाई के साथ निकल कर आएगा। नीचे की तरफ भी एक 4 से 5 कट बीच में लगा दीजिएगा। अब इसको हम पलट देंगे। अगर आप इस तरह से पलटना नहीं चाहते हो तो आप बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से ब्लाउज में हम सिलाई करते हैं गले के और नीचे के और, उस तरह से कर सकते हो और गले के और नीचे की तरफ अलग से पट्टी लगा सकते हो। अब देखिए ये दोनों साइड खुले हैं तो हम साइड से सिलाई लगा कर लेंगे। तो ये हम साइड से और आर्म होल से सिलाई लगा रहे हैं। सेम इस साइड में भी ये करते समय अच्छे से आपको कपड़े को पकड़ के रखना है ताकि झोल ना आ जाए कहीं पर। अब ये एक्स्ट्रा का कपड़ा हम कट कर देंगे, जो कि आर्म होल के और एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे कट कर देंगे। अब ये हमने बैक पैटर्न लिया है, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड हम रख देंगे और यहाँ पर हम शोल्डर जोड़ देंगे, यानी शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। तो मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है, इसको इस तरह से रखेंगे। अब हम गले की और लेस लगाने वाले हैं, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगाए। तो यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई में लेस को लगा कर लेंगे। तो सबसे पहले लेस की अंदर वाली साइड यानी गले की और की जो साइड है वहाँ से मैं किनारे से सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से पूरे गले में हम इसको सिलाई लगा कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये बाहर की साइड खुली है, बस अंदर की तरफ से सिलाई लगा दी है। तो मैंने पूरे गले में इसी तरह से लेस को अटैच किया है। अब लेस की जो बाहर की साइड खुली है वह से मैं एक सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से पूरे गले में हम लेस को अटैच कर देंगे। तो ये पूरे गले में मैंने लेस लगा दी है। अब मैं यहाँ आगे की बॉटम के और पीछे के बॉटम के और भी लेस लगा कर लूंगी। तो देखिए मैंने इस तरह से लेस लगा कर ली है, इस तरह से थोड़ा सा इसको ऊपर चढ़ा कर लगाया है, डबल में लेस लगाई है। और पीछे की तरफ भी मैंने बस सिंगल लेस लगाई है, आप चाहो तो पीछे की तरफ भी डबल लेस लगा सकते हो। लेस लगाने के बाद यहाँ पर हम हुक और आई पट्टी लगा देंगे। 2.5 इंच चौड़ी मैंने आई पट्टी ली है, एक तरफ ब्लाउज पीस का कपड़ा है एक तरफ लाइनिंग का। इसको नीचे की तरफ रखेंगे, ऊपर से 1/2 इंच नीचे की तरफ मोड़ देंगे और नीचे से भी 1/2 इंच ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। और यह मैंने सिलाई लगा दी। अब इसको पलट देंगे, पलटने के बाद इस ओर से भी हम सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरह से आपको मोड़कर डबल में मोड़ना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको मोड़कर लेना है और यहाँ से मैं मशीन के ऊपर आई बना रही हूँ। अगर आप मशीन के ऊपर नहीं बनाना चाहते तो आप हाथ से भी आई बना सकते हो। यहाँ पर आप सीधी सिलाई लगा दीजिएगा और फिर हाथ से आई बना दीजिएगा। ये मशीन के ऊपर आई जो मैं बना रही हूँ वी शेप में, यह बहुत मजबूती के साथ बैठते हैं और इसकी सिलाई लगाते समय आपको सबसे बारीक नंबर यानी छोटा नंबर रखना है टाके का, ताकि ये बहुत अच्छे से आ सके। तो इस तरह से मैंने 5 से 6 आई यहाँ पर बना दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरह से आई बनाने के बाद हम लगाएंगे हुक पट्टी। हुक पट्टी के लिए मैंने 1.25 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको भी मैंने इस तरह से सीधी साइड में रखा है और इस तरह से ऊपर और नीचे से मोड़ के सिलाई लगा दी। अब इसको मैंने पलट दिया, पलटने के बाद एक बार इसको मोड़कर सिलाई लगानी है और फिर से एक बार मोड़कर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। बाद में आप यहाँ पर तुरपाई कर सकते हो। तो इस तरह से ये हमारी हुक और आई दोनों पट्टी यहाँ पर लग चुकी है।
बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पट्टियाँ बहुत खूबसूरती के साथ बैठी है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेन फैब्रिक नीचे की तरफ है, स्लीव्स का लाइनिंग ऊपर की तरफ रखा है। एक सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ हम इसको पलट देंगे और एक सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे और इसको पलट देंगे ताकि ब्लाउज पीस की स्लीव्स की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाए। अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से लाइनिंग और मेन फैब्रिक एक दूसरे को अच्छे से अटैच हो जाएंगे। अब इस स्लीव को मैं नीचे की तरफ लेस लगा रही हूँ, ये मोती वाली। आप चाहो तो दूसरी और भी लेस लगा सकते हो। इस लेस को मैं नीचे की तरफ रखूंगी और किनारे से सिलाई लगाऊंगी। इस लेस को अटैच करने के लिए मैंने जो नॉप होता है वो सिंगल फुट वाला लिया है, सिंगल फुट का दाब लिया है और इसको मैं सिलाई चला रही हूँ। आप चाहो तो दूसरी और भी लेस लगाकर इसको डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ से मैंने थोड़े मनी निकाल दिए और यहाँ पर मैंने लॉक कर दिया। इस तरह से ये दूसरी स्लीव भी मैं रेडी करूँगी। अब ये दोनों स्लीव मैं दोनों साइड में अटैच करके लूँगी, बिल्कुल हमारे नॉर्मल ब्लाउज की तरह। तो ये मैंने अटैच कर दिए हैं स्लीव्स। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए हमें इसको सबसे पहले फ्रंट साइड में इस तरह से मोड़ कर लेना है। अच्छे से इसको मिलाकर रखिएगा और फिर यहाँ पर आप सेंटर का मार्क कर दीजिएगा, फ्रंट में नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों के अंदर की तरफ मैंने मार्क कर दिया है, यानी उल्टी साइड में। अब ये जो मार्क है यहाँ पर इस तरह से मैं लाइन बना दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, ये हमारा सेंटर लाइन होगी। अब हम यहाँ से फिटिंग का मार्क करेंगे। तो सबसे पहले टेप को मैंने सेंटर में रखा और वहाँ से हम चेस्ट का चौथा हिस्सा, अधिक क्वार्टर इंच लूजिंग हमने रखा था कटिंग करते समय, उतना ही मैंने लिया है। 7.25 इंच पर मैंने मार्क किया। नीचे की तरफ 30 इंच कमर है तो उसका चौथा हिस्सा होता है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर मैंने मार्क किया। ये फिटिंग का मार्क होगा हमारा। इस तरह से लाइन से जोड़ दीजिएगा। सेम इसी तरह से मार्क मैं दूसरी साइड में भी करूँगी। यहाँ से मैंने 7.5 इंच रख दिया क्योंकि 30 इंच कमर है, चौथा हिस्सा 7.5 इंच है, 34 इंच चेस्ट है, चौथा हिस्सा 8.5 इंच होगा, उसमें 1/4 इंच लूजिंग लेकर 7.25 इंच पर मार्क किया। अब ये भी हम फिटिंग की लाइन जोड़ देंगे। अब स्लीव्स की फिटिंग के लिए बैक और फ्रंट दोनों अच्छे से मिलाकर रखने हैं और फिर स्लीव्स की फिटिंग का मार्क करना है। ये मैंने 6.5 इंच पर लगा दिया और इस तरह से लाइन मिला दी। सेम इस साइड में भी मैंने स्लीव्स को अच्छे से मिलाया है और 6.5 इंच पर मार्क करके मिला दिया। अब इस निशान के ऊपर से मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। तो ये फिटिंग मैंने कर दी है और ये ब्लाउज हमारा रेडी है। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट्स है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।